मैं श्वेता और श्वेता दीदी कुकिंग चैनल का सुपर डुपर टू पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी और आलू के कुरकुरे पकौड़े। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही लाजवाब होते हैं टेस्ट में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूजी के कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए हमने ली है 1 कप सूजी, आधा कप दही और बारीक कटे हुए 2 आलू। यहाँ सूखे मसालों में हमने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्चें कटी हुई और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सूजी में दही डाल देंगे। दही डालने से हमारे पकौड़ों में हल्की खटास आ जाती है जो कि बहुत ही लाजवाब लगती है। अब हम इसमें सभी सूखे मसाले डाल के मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सर में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए मिक्स करेंगे ताकि हमारे बैटर में लम्स ना बने। इन पकौड़ियों को बनाने के लिए आप बारीक सूजी, मोटी सूजी, ऐसी सूजी, वैसी सूजी, कैसी भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि पानी हम इसमें अच्छे से डालेंगे क्योंकि सूजी बहुत प्यासी होती है, बहुत पानी सोखती है। यहाँ पे इस 1 कप सूजी का बैटर बनाने के लिए मैंने आधा कप दही और 1 गिलास पानी यूज़ किया है। सब कुछ मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो हमारी सूजी फूल चुकी होगी और हमारा बैटर सूखा सूखा सा हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं। अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक है तो इसमें और पानी मत डालिएगा, इसमें डायरेक्टली ही पतले कटे हुए आलू डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप आलू का साइज देख सकते हैं। हमने इन आलूओं को पतला और महीन इसलिए काटा है ताकि ये पकौड़ियों में आसानी से पक जाएं। पकौड़ियाँ चाहे सूजी की बनाएं या बेसन की, अगर आप आलू इस तरीके से डालेंगे तो आपकी पकौड़ियाँ भजिया स्टाइल की बनेंगी, ज़्यादा कुरकुरी बनेंगी, ज़्यादा लाजवाब लगेंगी। आलू अच्छे से मिक्स हो गया है तो चलिए पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में तेल लीजिए और उसको हल्का गर्म कर लीजिए। अब आप इसमें पकौड़ियाँ डालना शुरू करें। इस समय फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा। जब आपकी कढ़ाई पूरी पकौड़ियों से भर जाए तब आप फ्लेम को बढ़ा के हाई पे कर दीजिएगा। फ्लेम को हाई पे करने के 1 से 1.5 मिनट बाद आप इन सभी पकौड़ियों को अलट पलट कर सकते हैं। अब दोनों ही तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। ये पकौड़ियाँ ठंडी होने के बाद भी कुरकुरी रहती हैं तो बच्चों के टिफिन के लिए एक आइडियल स्नैक है। सूजी और आलू की कुरकुरी पकौड़ियाँ बनके तैयार है। इसको सर्व किया है सॉस, हरी चटनी और घर में बनी मैंगो फ्रूटी के साथ। इस मैंगो फ्रूटी की रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसे बनाना आम को छीलने जितना ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंजॉय हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए इन लिंक्स पे क्लिक करें।